नमस्कार, एम सोल्यूशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मेरे हाथ में दैनिक जागरण अखबार है और इस अखबार में यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत बड़ी न्यूज है और इसको आखिरी तक सुनना समझना आपका परम कर्तव्य है। तो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस वीडियो में आप 5-7 मिनट समय जरूर दीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपकी परीक्षा को लेकर के सरकार क्या कर रही है, क्या करने जा रही है और आपको अब क्या करना चाहिए। ठीक है, और ये अखबार मैं आपको पढ़ने के लिए दूंगा, आप सब लोग पढ़ेंगे और मैं पहले इसका सार संक्षेप में आपको बताना चाहूँगा। ध्यान से समझिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको अब यूपी बोर्ड से संबंधित बेहतर से बेहतर जानकारी भी मिलेगी और बेहतर से बेहतर वीडियो लेक्चर तो मिलता ही है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, बोर्ड परीक्षा की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, ये इसकी हेडिंग है। बट स्पेशली अगर आप गोरखपुर मंडल के आसपास के या गोरखपुर के ही हैं तो आपके लिए और अधिक रुचिकर बातें हैं। वैसे तो पूरे उत्तर प्रदेश के छात्रों पर ये बात लागू होगा बट इसमें जो बातें हैं इसको समझ लेने से आप सभी को एक सबक तो मिलेगा, एक आइडिया तो मिलेगा। यूपी बोर्ड 2023 की 10वीं और 12वीं परीक्षा जनपद में 1.5 लाख विद्यार्थी देंगे, यानी सिर्फ गोरखपुर में 1.5 लाख स्टूडेंट परीक्षा देंगे। आप सभी लोग समझिएगा इस चीज़ को। पिछले साल की तुलना में इस बार लगभग 23,000 अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। पिछले साल से 23,000 ज़्यादा लड़का गोरखपुर में इस बार एग्जाम देंगे। बोर्ड ने पंजीकृत छात्र छात्राओं की सूची पर मुहर लगा दी। अब इसमें न एक परीक्षार्थी अधिक होंगे और न कम, मतलब अब कोई चाहे जितना सोर्सफुल स्टूडेंट होगा वो चाह कर भी 12वीं में एडमिशन नहीं ले पाएगा और चाह कर भी वो अब उसमें से नाम भी नहीं कटवा पाएगा। ठीक है, अब अगली बात, नकल विहीन व सुचितापूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए जिला व राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम लखनऊ से निगरानी की जाएगी। ध्यान से समझिएगा बात को, नकल विहीन परीक्षा करवाने के लिए जिले से और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम लखनऊ से भी, दो दो जगह से, जिला मुख्यालय से और लखनऊ से भी, मतलब राज्य मुख्यालय जिला मुख्यालय दो मुख्यालयों से सीसीटीवी कैमरों पर निगाहें टिकी रहेंगी। अब क्या होगा आगे? परीक्षा को लेकर बोर्ड के साथ साथ जनपद स्तर पर भी तैयारियां चल रही हैं। बोर्ड अपनी तैयारी कर रहा है और उसके साथ साथ जिला प्रशासन भी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। समझ लो शादी का दिन नज़दीक आ रहा है और शादी की तैयारी से संबंधित खरीदारी सोचा विचारी सब कुछ चल रहा है, उस तरीके की तैयारी है ये। जिले में केंद्र निर्धारण के लिए विद्यार्थियों का भौतिक सत्यापन अंतिम चरण में है। प्रशासन की टीमें तहसीलवार विद्यालयों में जाकर के ऑनलाइन अपलोड ब्यौरा के आधार पर सूचनाओं का सत्यापन कर रही हैं। उन्हीं की रिपोर्ट पर ही परीक्षा केंद्रों का निर्धारण होगा। भले ही छात्र संख्या अधिक हो लेकिन परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ने की फिलहाल उम्मीद नहीं है। संभावना है कि इस बार भी 200 के आसपास परीक्षा केंद्र होंगे। सुनिए बात को समझिएगा, यूपी बोर्ड प्रत्येक विद्यालयों से ये डाटा मांगता है कि आपके पास कुल कितने कमरे हैं, उन कमरों में सीसीटीवी है कि नहीं, डेस्क ब्रेंच कितना है, चार दीवारी है कि नहीं, इतना चीज का डाटा अपलोड करवा लेता है यूपी बोर्ड अपने साइट पर। उसके बाद जिला स्तर से टीम भेजा जाता है, किसी को भी टीम का आदेश मानने के लिए आदेश कर दिया जाता है। तो टीम जाके चेक करती है कि इन्होंने जितने कमरे बताए थे इस विद्यालय के प्रबंधक प्रिंसिपल द्वारा, जब बताया गया था कि हमारे यहाँ इतने कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी है, वॉइस रिकॉर्डर है, डेस्क ब्रेंच है, चार दीवारी अच्छी वे वेल मेंटेन है, गेट है, खिड़कियाँ दरवाजे सब कुछ है, तो उस आधार पर केंद्र का चयन होता है। तो पिछले बार 200 केंद्र बनाए गए थे गोरखपुर में, इस बार भी 200 ही केंद्र रहेंगे, भले 23,000 छात्र ज़्यादा हो गए। अब उन्हीं केंद्रों में 2-4 कमरे बढ़े होंगे या पिछली बार जिस जिस केंद्र पर छात्रों की संख्या कम रही होगी अब उन केंद्रों पर छात्रों की संख्या बढ़ा देंगे, उतने में ही सब मेंटेन कर लेंगे और नकल को रोकने के लिए दो जगह से ऑनलाइन निगरानी चलेगी। तो कुल मिला जुला करके आपको क्या करना है, आपको मन लगा के पढ़ना है
और पढ़ने के लिए स्टडी मटेरियल अगर आपके पास गणित वाला नहीं है तो गणित में पास कराने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़िए। जो फ़ोन नंबर दिख रहा है यहाँ पे, उस पे कॉल कीजिए। जो जो चैप्टर आपको लगता है कि कठिन है, सिर्फ वही वही चैप्टर पढ़ लीजिए। एक चैप्टर की फीस मात्र 100 रुपये है, ठीक है? सिर्फ 100 रुपये पे करके एक चैप्टर पढ़िए। जब अच्छा लगे, समझ में आए, तो फिर आगे का चैप्टर पढ़िएगा, आगे की फिर दीजिएगा। और ये अखबार आप, मैंने थोड़ी बात बताई, बहुत बातें इसमें लिखा हुआ है, वीडियो लंबा ना हो जाए, इस नाते मैंने आधी बातें छोड़ा। तो इसको अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हो ना, पूरे यूपी के कहीं से भी हो आप, तो गूगल में सर्च करना PDF मंडी, पहले वेबसाइट खोलना, उस पर सबसे ऊपर लिखा रहेगा यूपी बोर्ड आज की न्यूज, बस उसी को क्लिक करके खोलिएगा, आपके सामने आ जाएगा ये अखबार है, ठीक है? तो ज़रूर PDFmandi.com पे जाके पढ़ लेना बेटा, मैंने बहुत बातें बताई हैं, और बाकी बातें आप पढ़ लेना, दोस्त को भी शेयर कर देना, ठीक है? थैंक यू।